भाभी भाभी क्या हुआ? क्या आप भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? ऋषि और लक्ष्मी, आई स्वेयर मैं भी यही सोच रही हूँ भाभी। जैसे पकड़ के रखा हुआ है ना लक्ष्मी ने ऋषि को, वो बेचारा उससे दूर ही नहीं जा पा रहा है। जब से उनकी शादी हुई है तब से अब तक इस करवा चौथ तक देख रही है ना, और ऊपर से वो मलिष्का, वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। और अगर कुछ कर भी रही है ना भाभी, तो वो भी लक्ष्मी के आगे फेल हो रही है। और अब वो बलविंदर, वो भी आ गया है पिक्चर में। मुझे तो डर है कहीं उसी की वजह से हमारे परिवार का नाम खराब ना हो जाए। आई मीन जब उसने लक्ष्मी को किडनैप किया था तब तो वो हमारे घर की बहू थी ना भाभी। हम ऐसा नहीं मानते थे, लेकिन पूरी दुनिया तो यही मानती है ना कि लक्ष्मी ओबेरॉय इस खानदान की बहू है। पर भाभी कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, तो हमारे परिवार का ही नाम खराब होगा। जो कहना है साफ साफ कहो करिश्मा। भाभी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकालना है जल्दी से जल्दी, नहीं तो इस घर की इज्जत के साथ साथ ऋषि भी हमारे हाथ से जाएगा। भाभी लक्ष्मी के इस घर में रहते हम ऋषि को लक्ष्मी के बंधन से नहीं निकाल पाएंगे। पर जो करना है वो तो पहले मलिष्का को करना होगा ना, क्योंकि अगर ऋषि को किसी और बंधन में बांधना है तो वो सिर्फ मलिष्का है। जैसे हमने ऋषि और लक्ष्मी को मिलवाया और फिर लक्ष्मी ने चालाकी से ऋषि को अपने काबू में कर लिया, वैसे ही हम सिर्फ ऋषि को मलिष्का तक ले जा सकते हैं। उसके बाद ऋषि को अपने पास रखना, अपने प्यार में बांधे रखना, ये तो मलिष्का को करना होगा। करिश्मा करिश्मा, ये हम जानते हैं कि मलिष्का ऋषि से बहुत प्यार करती है, लेकिन ऋषि को अपने पास रखने के लिए सिर्फ मलिष्का का प्यार काफी नहीं है। उसे लक्ष्मी की तरह चालाक बनना होगा, राधा लक्ष्मी से भी ज्यादा चालाक बनना होगा। आई नो भाभी, पर ये बात तो हम मलिष्का को कितनी बार समझा चुके हैं, और आप तो ये बात उसे डायरेक्टली भी कह चुके हैं भाभी। आई होप मलिष्का को इस बार ये बात समझ में आ जाए, वो इस तरह मोटिवेट हो, इनकरेज हो, और गॉड नोस कुछ ऐसा करे कि फाइनली ऋषि को लक्ष्मी से दूर कर दे। ऋषि तुम कब आए? जब तुम अपने बोरिंग काम में थी, अपनी दुनिया भूल चुकी थी, बस तभी चुपके से आ गया। पर तुम आए क्यों? तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें अब मेरा जवाब नहीं सुनना और मैं अपना जवाब अपने पास रखूं। हाँ तो तुम अपना जवाब अपने पास ही रखो, लेकिन प्लीज थोड़ा सा बता दो। वो क्या है ना, बहुत रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, मुझे जानना है, प्लीज मुझे जवाब दे दो, बता दो। मैं भी तो तुमसे सब कुछ शेयर करता हूँ ना, तो तुम भी बता दो मुझे प्लीज।